हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धिज डेलिकेसीज। आई एम रिद्धि। आई एम वैदेही। तो हम सब ने दिवाली में बहुत ही मीठा खाया होगा, तो आज हम कुछ तीखा बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मेरी मम्मी और मेरी मौसी क्या बनाती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के पराठे। उसके लिए हमने 4 मोटे उबले हुए आलू लिए है और उसे मैश किया है, और थोड़े कटे हुए कोरिएंडर लीव्स, और यहाँ पे हमने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर लिया है, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1 चम्मच सॉल्ट लिया है, 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 चम्मच जीरा पाउडर लिया है और 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर लिया है। तो आलू में हम सब मसाले ऐड करेंगे अभी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। ताकि जो मसाले लिए हैं वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए, तभी आलू पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो अभी हम इसमें कोरिएंडर ऐड करेंगे। और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। तो अभी ये पराठे का मिक्स रेडी है बनके। इसको अभी 10-15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे और उसके बाद पराठे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने पराठे के लिए आटा भून के रेडी रखा है। अभी हम पराठा बनाएंगे। यहाँ पे आटे के गोले बना के रखे हैं, अभी इसको बेलना है। और इसके बाद इसमें जो पराठे का मिक्स है वो ऐसे भर के लेना है। ये ऊपर तक ऐसे करना है आपको, और ऐसे आटा ऐसे प्रेस करके लेके उसको बेलते रहना है। बाद में आपको जितना बड़ा साइज आपको चाहिए आप ले सकते हैं बेल के। बेलते समय आपको साइड से ही बेलते रहना है, ताकि ये अच्छी तरह से पराठा जो है वो हमारा रेडी हो जाए। अभी हम दूसरा पराठा बेलेंगे। ये पराठा जो है ये बहुत स्वादिष्ट बनता है और ये पिकल और हरी चटनी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी तवा रखा है गैस पे, इसको अभी गर्म होने के बाद हमें पराठा डालना है इसके ऊपर। अभी इसको मैं घी लगा के लेती हूँ और इसको दूसरे साइड से ऐसे पलटना है, और दूसरी साइड से भी ऐसे घी लगा के लेना है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ रहा है इसकी मसालों की वजह से। यहाँ पे दूसरा पराठा रखा है, इसको
को एक साइड से ऐसा दूसरी साइड पलट के लेती हूँ। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी तेल का। मैंने यहाँ पे असली घी का इस्तेमाल किया है, इससे पराठे का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो हमारे पराठे जो हैं आलू के वो बनके रेडी हैं। हम इसको अचार या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म आलू के पराठे बनके रेडी है। ये बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट बने हैं। आप इसे अचार या चटनी के साथ खा सकते हैं। फॉर दिस वीडियो स्पेशल थैंक्स टू बीना मावशी, वैदेही, रिचा दीदी, सुप्री मावशी, विधि विनी एंड कालिदास मावसो। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। इफ यू लाइक माई टूडेज रेसिपी, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।